मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर अब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमले भी शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा के समर्थन में पोहरी के बैराड़ में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लाडली बहना योजना आदिवासियों के लिए नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने पर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन सभी की जांच कराई जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग बोला बंटा दिया है।